हेलो एवरीवन, वेलकम टू महेंद्रा गुरु। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वर्जे, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर क्लासेस में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2 नवंबर की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। और गाइज, इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। अब आपके लिए छोटा सा टास्क रहेगा, चाहे आप हमसे फेसबुक से जुड़े हो, चाहे आप हमसे यूट्यूब से जुड़े हो, काम सिर्फ इतना करना है, फेसबुक वाले भाई शेयर कर दीजिए और यूट्यूब वाले कॉपी को लिंक की जो लिंक की ये जो वीडियो है इसकी लिंक को कॉपी करिए और जहां टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, जहां जहां आप जुड़े हर जगह तक पहुंचा दीजिए कि भैया करंट अफेयर स्टार्ट हो चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद दी वेरी फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि लास्ट सेशन के बेसिस पर रहते हैं। क्या बात है सर, आज तो राइट टाइम, दो सबसे राइट टाइम ही आएंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। शार्प 7 o'clock अपना सेशन स्टार्ट हुआ करेगा, एक मिनट ना इधर ना एक मिनट उधर। चलिए स्टार्ट करते हैं विद दी वेरी फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। टेक्निकल नेम प्लीज जरा स्क्रीन को जूम किया जाए। राष्ट्रीय एकता दिवस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? राष्ट्रीय एकता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाते हैं? 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 29 अक्टूबर या 31 अक्टूबर? किस दिन को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं? चलिए आंसर की बात करेंगे। आंसर इज ऑप्शन नंबर 5th, 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। ज्यादा देर नहीं रहेंगे सवालों में, क्योंकि भाई ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ रिवीजन के तौर पर यहां पर हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, हु विल बी ऑनर्ड विद द 2018 ग्लिट्समैन अवार्ड फॉर हर वर्क प्रमोटिंग गर्ल्स एजुकेशन? किसे लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2018 ग्लिट्समैन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? आंसर बनता है यहां पर ऑप्शन नंबर 1, मलाला यूसुफजई विल बी ऑनर्ड विद द 2018 ग्लिट्समैन अवार्ड फॉर हर वर्क प्रमोटिंग गर्ल्स एजुकेशन, याद रखिएगा। तीसरा सवाल, किस देश ने, या यूं कहें किस देश ने पहला, या विच कंट्री हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट सॉवरेन ब्लू बॉन्ड टू सपोर्ट सस्टेनेबल मरीन एंड फिशरीज प्रोजेक्ट? किस देश ने टिकाऊ समुद्री और मत्स्य पालन परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए विश्व का पहला सॉवरेन ब्लू बॉन्ड शुरू किया है? आंसर बनता है सेशल्स, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। सेशल्स कैपिटल इज विक्टोरिया एंड करेंसी यहां पर रूपी चलती है, याद रखिएगा। सेशल्स हैज लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट सॉवरेन ब्लू बॉन्ड टू सपोर्ट सस्टेनेबल मरीन एंड फिशरीज प्रोजेक्ट। अगला सवाल, किस बैंक ने हिताची पेमेंट सर्विसेज इंडिया के साथ एक समझौता किया है जिसके अंतर्गत वो एक ज्वाइंट वेंचर फॉर्म करेंगे फॉर द एस्टैब्लिशिंग अ कार्ड एक्सेप्टेंस एंड डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म? स्पेशल कहना यह है कि कार्ड एक्सेप्टेंस और डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म को तैयार करने के लिए ज्वाइंट वेंचर कौन सा बैंक हिताची पेमेंट सर्विसेज के साथ मिलकर सेटअप करने जा रहा है? आंसर बनता है यहां पर ऑप्शन नंबर 4, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यह समझौता किया है। अगला सवाल, किस देश में, यूं कहें In which country world's largest airport terminal under one roof with capacity to serve 90 million passenger is officially opened? किस देश में 90 मिलियन यात्रियों की सेवा करने की क्षमता के साथ under one roof विश्व का सबसे बड़ा टर्मिनल आधिकारिक अड्डा टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल आधिकारिक तौर पर खोला गया है? आंसर बनता है यहां पर ऑप्शन नंबर 5, तुर्की में, याद रखिए कहां पर हुआ ये, जिसे आप तुर्की कह सकते हैं, जिसे आप टर्की भी कह सकते हैं। टर्की की कैपिटल है अंकारा और मुद्रा यहां पर चलती है लीरा। अगला सवाल, विच कंपनी हैज अग्रीड टू एक्वायर यूएस सॉफ्टवेयर कंपनी रेड हैट फॉर 34 बिलियन? किस कंपनी ने यूएस सॉफ्टवेयर कंपनी रेड हैट का 34 बिलियन में अधिग्रहण करने पर अपनी सहमति दी है, या कौन सा कह सकते हैं कंपनी सहमत हो गया है? आंसर की बात करें तो आंसर यहां पर बनता है ऑप्शन नंबर 3, IBM। IBM हैज अग्रीड टू अक्वायर यूएस सॉफ्टवेयर कंपनी रेड हैट फॉर 34 बिलियन। अगला सवाल, हु हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर कंट्रीज लार्जेस्ट ड्राई डॉक एट कोचीन शिपयार्ड इन कोची? किसने कोचीन शिपयार्ड में देश के सबसे बड़े ड्राई डॉक की आधारशिला रखी है? आंसर बनेगा नितिन गडकरी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर कंट्रीज लार्जेस्ट ड्राई डॉक एट कोचीन शिपयार्ड इन कोची। अगला सवाल, यहां पर सरल शब्दों में यह मतलब है कि नेशनल समिट ऑन पब्लिक हेल्थ केयर अभी हुआ है असम में, उसका वो कौन सा एडिशन था? जन स्वास्थ्य परिचर्या पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन अभी असम के काजीरंगा में हुआ है, उसका वो कौन सा एडिशन था? 6th, 5th, 7th, 9th या 8th? सो गाइस आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर 2, 5th एडिशन यहां पर रहा था। आई होप सो गाइस सभी के क्लियर होता चल रहा होगा। मैं चाहूंगा जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े प्लीज भाई लिंक को हर जगह शेयर कर दीजिए, जिससे कि हर स्टूडेंट को पता चल जाए एक सेशन बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया हैज बीन रैंक्ड व्हाट इन वर्ल्ड्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2018? यहां पर बात हो रही है स्पेशली जो विश्व बैंक ने इंडेक्स लॉन्च किया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में,
भारत की रैंकिंग क्या रही है? लास्ट ईयर की बात करें तो इंडिया की रैंकिंग 100 थी, अब यहां पर बात करते हैं तो 77th पोजीशन पे इंडिया आ गया है। मोस्ट रेलेवेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पर्पज से भाई मोस्ट एंड मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अब यहां पर देखिए एक चीज और बन सकती है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो अभी रहा है उसमें इंडिया की रैंकिंग 77th रही है। ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? तो भैया ये किसके द्वारा रिलीज किया गया, तो वो वर्ल्ड बैंक, याद रखना है। टॉप कंट्री कौन सी है, मतलब कि किस देश ने इस वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में टॉप किया है, जरा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि किस कंट्री ने। ओके, यहां पर आया है सोनम तिवारी जी का आंसर आया है, नीदरलैंड ने यहां पर टॉप किया है। क्या बात है भैया, नीदरलैंड भी आ रहा है, न्यूजीलैंड भी आ रहा है, बट मेरे भाई मेरे दोस्त यहां पर आंसर न्यूजीलैंड बनता है, राइट आंसर बनेगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने टॉप किया, न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन एंड करेंसी डॉलर। आई थिंक वह नीदरलैंड, उन्होंने न्यूजीलैंड ही बोला था, मेरे से नीदरलैंड पड़ गया है, याद रखिएगा न्यूजीलैंड है जिसने इस इंडेक्स को टॉप किया है। चलिए बढ़ते देखते फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है। SS Deswal has been appointed as a Director General of the Indo-Tibetan Border Police, जिसे हम ITBP कहते हैं। SS Deswal को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। एग्जाम के पर्पज से याद रखिएगा मोस्ट मोस्ट एंड मोस्ट रिलेवेंट। अब यहां पर पूछा जाएगा ITBP के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? SS Deswal। SS Deswal की अगर हम बात करें तो इनके पास SSB का भी चार्ज है, अभी ITBP के हेड बने हैं भाई। तो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट रिलेवेंट क्या है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ITBP, तो आंसर बनता है SS Deswal। अपार्ट फ्रॉम किनको इन्होंने रिप्लेस किया, इन सारी बातें आते हैं डिटेल में, वन बाई वन जरा डिस्कस कर लेते हैं। टेक्निकल टीम प्लीज जरा स्क्रीन को जूम किया जाए। अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट की बात करें, उसने अप्रूव किया है देसवाल जी का अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ द ITBP फॉर अ पीरियड की बात करें यहां पर 2021 तक, मतलब 2021 तक वो इस पद पर काम करेंगे। इन्होंने रिप्लेस किया है पीके पचनंदा जी को, वो उनका भी सुपर एन्यूशन हो गया, उनका टाइम कार्यकाल खत्म हो गया, तो उनके बाद किसी को तो बनाना, तो यहां पर SS Deswal इस पोजीशन को होल्ड करने जा रहे हैं। अब इसके अलावा एक चीज याद रखिएगा, ITBP वाज फॉर्मड इन द ईयर ऑफ द 1962, 1962 में इसकी स्थापना हुई थी और न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। ये मोस्ट रिलेवेंट है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट जो हमेशा एग्जाम में आते हैं और हम अक्सर इन्हें स्किप करते हैं, तो प्लीज गाइज इन पर भी फोकस करते हुए चलिएगा। अगली न्यूज है हमारी अजहर अली से रिलेटेड, आज के द हिंदू में मेंशन है। अजहर अली ने फाइनली, अगर बात करें तो जो वनडे इंटरनेशनल है उससे अनाउंसमेंट किया है कि अब वो वनडे इंटरनेशनल नहीं खेलेंगे, एक दिवसीय क्रिकेट नहीं खेलेंगे। मेरे अकॉर्डिंग बात करें तो यहां से दो सवाल बन सकते हैं, अजहर अली इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, आंसर इज क्रिकेट। अजहर अली इज फ्रॉम विच कंट्री, आंसर इज पाकिस्तान। इसके अलावा एक भी पॉइंट यहां से रिलेवेंट नहीं है, पढ़ लेते हैं, जरा देख लेते हैं। टेक्निकली प्लीज जरा स्क्रीन को जूम किया जाए। पाकिस्तानी बैट्समैन अजहर अली हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट। पाकिस्तानी बल्लेबाज अजहर अली ने एक दिवसीय क्रिकेट से अपनी सेवानिवृत्ति की बात करें या यूं कहें संन्यास की घोषणा कर दी है। एग्जाम के लिए मैं फिर दोबारा से बता रहा हूं, दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, अजहर अली इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, सो आंसर इज क्रिकेट। अजहर अली इज फ्रॉम विच कंट्री, आंसर इज पाकिस्तान। भाई दो के अलावा यहां से तीसरा सवाल नहीं बनने जा रहा। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, द्रविड फॉर्मली ज्वाइंस एन अलाइट लिस्ट। अलाइट लिस्ट की बात करें तो ICC हॉल ऑफ फेम से इन्हें सम्मानित किया गया है। किस नंबर के क्रिकेटर बने हैं, इनके अलावा किन किन को इसमें इंक्लूड किया गया, इन सारी बातों पर चर्चा कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम जुलाई में इसे पढ़ चुके हैं, बट अब इनको दिया गया है ये हॉल ऑफ फेम का एक तरीके से सम्मान, तो भाई इंपॉर्टेंट तो अब भी बनता है। अब समझ जा एक एक चीज क्या क्या यहां से रिलेवेंट एग्जाम में आने वाली है, वन बाई वन देखते हैं। राहुल द्रविड हैज बीन ऑनर्ड विद द ICC हॉल ऑफ फेम। राहुल द्रविड़ को ICC हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है। इनके अलावा कौन और इनसे पहले हो चुके हैं, किस नंबर के इंडियन बने हैं, इन्हीं के पैरेलल किन किन को सम्मानित किया गया, इन सारी बातों पे देखेंगे। फॉर्मर कैप्टन राहुल द्रविड़ जो कि इंडिया के, भाई क्लियर है सभी को, रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया के, और फॉर्मर ये मैंने जुलाई वाली न्यूज है इसी को यहां पर लिखा है दोबारा से समझाने के लिए कि तब ये किन किन को इंक्लूड किया गया था। फॉर्मर कैप्टन राहुल द्रविड़, रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया एंड फॉर्मर इंग्लैंड वुमेन्स टीम विकेट कीपर क्लैरी टेलर की बात करेंगे, इन तीनों को ही एक साथ इंक्लूड किया गया था ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में। द्रविड़ की बात करते हैं तो वो फिफ्थ प्लेयर बने हैं भारत की तरफ से जिन्हें ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में नामित किया गया था। इनके अलावा बात करते हैं तो यहां पर बिशन सिंह बेदी जी का नाम आता है, सुनील गावस्कर जी का नाम आता है, कपिल देव जी का नाम आता है और अनिल कुंबले जी का नाम आता है। तो ये चार क्रिकेटर हैं जिनको पहले इंक्लूड किया गया था और राहुल द्रविड़ की बात करें तो फिफ्थ क्रिकेटर बने हैं। पॉन्टिंग की बात करेंगे तो भाई रिकी पॉन्टिंग 25th, तो समझिए इंडियन अभी 5 इंक्लूड किए गए हैं और ऑस्ट्रेलियन की बात करें 25 ऑस्ट्रेलियन इंक्लूड किए जा चुके हैं इस क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में और पॉन्टिंग भाई 25th बने थे।
टेलर की बात करते हैं जो कि लेडी हैं, जो कि इंग्लैंड की हैं, इंग्लैंड की वुमेन टीम विकेट कीपर हैं, तो उनकी बात करें तो टेलर इज सेवेंथ वुमेन ओवरऑल, अगर बात करें तो ओवरऑल सेवेंथ वुमेन है इसमें इंक्लूड होने वाली, एंड थर्ड फीमेल प्लेयर फ्रॉम द इंग्लैंड, और इंग्लैंड से तीसरी महिला क्रिकेटर है जिनको कि इसमें नामित किया गया है। आई होप सो डिटेल में आपके सारी बातें क्लियर होंगी, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये फिफ्थ प्लेयर बने हैं। ऑप्शन में आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें यही लिखा आ सकता है, क्योंकि ये तो सिंपल है कि हु हैज बीन, विच इंडियन है, विच इंडियन क्रिकेटर हैज बीन इंक्लूडेड क्रिकेट आईसीसी, आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम, तो भाई वो तो क्लियर है, राहुल द्रविड़ सभी को पता रहेगा, बट ये यहां पर पूछ सकते हैं कि इनसे पहले किनको इंक्लूड किया जा चुका है इसमें, तो वो विशन सिंह बेदी है, सुनील गावस्कर है, कपिल देव है, अनिल कुंबले है। अब ये किस नंबर के प्लेयर बने हैं इसमें इंक्लूड होने वाले, इनको नामित किया गया है तो ये किस नंबर के प्लेयर बने, तो वो बनता है भैया फिफ्थ प्लेयर। ये कुछ सवाल है जो चंद अक्सर दिक्कतें दे सकते हैं, तो भाई प्लीज इनको याद करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैरीकॉम नेम्ड ब्रांड एम्बेसडर, आईबा वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें जिसे इंडिया होस्ट करने जा रहा है उसके एम्बेसडर के रूप में नियुक्ति हुई है, या यूं कह सकते हैं उसके एम्बेसडर के रूप में नॉमिनेट किया गया है मैरीकॉम को, नॉमिनेट क्या बेसिकली अपॉइंट ही किया गया है, क्या है बातें सारी देख लेते हैं वन बाई वन डिटेल में। एमसी मैरीकॉम हैज बीन नेम्ड एज दी ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द आईबा वुमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप AIBA, जिसे हम इंशॉर्ट आईबा भी कह सकते हैं। एमसी मैरीकॉम को आईबा महिला विश्व चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है, क्या है रिलेवेंट पॉइंट वो समझना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एमसी मैरीकॉम इज फ्रॉम विच स्टेट, एमसी मैरीकॉम किस स्टेट से है, भाई मेरे को कमेंट बॉक्स में अगर आप आंसर दे पाए तो बहुत बेहतर रहेगा। एमसी मैरीकॉम इज फ्रॉम विच स्टेट, एमसी मैरीकॉम किस स्टेट से है, और इसके अलावा ये वर्ल्ड ये वुमेन चैंपियनशिप की बात करें और एडिशनल पॉइंट की बात करें वो भी हम जरा डिटेल में देख लेते हैं। टेक्निकली प्लीज जरा स्क्रीन को जूम करें। इंडिया इज होस्टिंग फॉर सेकंड टाइम एवर, अगर इस चैंपियनशिप की मैं बात करता हूं आईबा वुमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप की, तो भारत इसे दूसरी बार होस्ट कर रहा है, इससे पहले 2006 में भी होस्ट कर चुका है। वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें तो इंदिरा गांधी जो इंडोर स्टेडियम है नई दिल्ली में वहां पर ये रहेगा। टोटल अगर हम बात करते हैं तो 3 to 5 प्यूजलिस्ट या मुक्केबाज जिनको हम बोलते हैं 73 कंट्रीज से इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं 15 नवंबर से 24 नवंबर तक। ये काम की चीज़ नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए पढ़ने के लिए ये ही रिलेवेंट है, अदरवाइज ये स्टेडियम का नाम याद रखना है, कहाँ पर ये हो रहा है ये याद रखना है, कौन सा देश होस्ट कर रहा है ये वाली बातें याद रखनी है। जैसा कि ये वाला पॉइंट मोस्ट रिलेवेंट है, एमसी मैरीकॉम हैज बीन नेम्ड द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द इवेंट बाय द बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो भारत की बॉक्सिंग फेडरेशन है, जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसी ही ने इनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन कही है, इन शॉर्ट AIBA कही है। इट वाज फॉर्मड इन द ईयर ऑफ 1946, 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर लॉजन स्विट्जरलैंड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड प्रेसिडेंट की बात करते हैं वू चिंग कू इज अ प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। आई होप सो गाइस सारी बातें आपके क्लियर होंगी, यहां तक क्लियर है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए यस सर, यहां तक हमारे सारी बातें बिल्कुल क्लियर होती चल रही हैं, एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है, इवन कोई डाउट है उसे भी आप कमेंट बॉक्स में यहां पर पोस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द स्पोर्ट, एशियन स्नूकर टाइटल, और पंकज अडवाणी की बात करें तो हर किसी को पता है भाई, अगर जब कभी भी स्नूकर की बात होती है तो पंकज अडवाणी का ही नाम आता है। पंकज अडवाणी ने एशियन स्नूकर टाइटल जीता है, किस नंबर के खिलाड़ी बने हैं, क्या है बातें चर्चा कर लेते हैं, और मोस्ट रिलेवेंट मार्क कर लीजिए इस न्यूज को। पंकज अडवाणी हैज वॉन द एशियन स्नूकर टूर टाइटल इन जिनान चाइना, पंकज अडवाणी ने चीन के जिनान में एशियाई स्नूकर टूर का खिताब जीता है, समझना। हु हैज वॉन द एशियन स्नूकर टूर टाइटल इन जिनान चाइना, सो आंसर इज पंकज अडवाणी, पंकज अडवाणी हैज वॉन द एशियन स्नूकर टूर टाइटल इन जिनान चाइना। दूसरा यहां पर सवाल देखिएगा समझने वाली है, चाइना रिलेटेड फैक्ट, चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी युआन ऑब्लिक रेनमिनबी, एंड अपार्ट फ्रॉम बात करते यहां पर तो इनके जो प्रेसिडेंट है यहां के चाइना के जी जिनपिंग है। चाइना की बात करें यहां पर SCU का हेडक्वार्टर है, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का भी हेडक्वार्टर है। अब इंटरलिंक करते चलेंगे, जिन जिन कंट्रीज के नाम आएंगे वहां पर हेडक्वार्टर कौन कौन किस किन 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 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के उनके भी हम देखते चलेंगे, कोई बैंक इंटरनेशनल बैंक तो उसके भी देखेंगे। अब मेरा सवाल आपसे है SCU का हेडक्वार्टर क्या है, मतलब कि चाइना के किस शहर में, और AIIB का हेडक्वार्टर किस शहर में, संघाई में है, बीजिंग में है, कहां पर है SCU का हेडक्वार्टर, कहां पर AIIB का हेडक्वार्टर, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, क्योंकि कल मैंने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे MCQ 12 बजे, उस दौरान मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर, फॉर्मेशन, ईयर, बहुत कुछ बताया था डिटेल में, और मुझे लगा था कि भाई उस सेशन मुझे जो लगा था और स्टूडेंट के कमेंट भी आए थे कि वो सेशन बहुत बेहतरीन रहा है। जिन स्टूडेंट ने उस सेशन को नहीं देखा प्लीज कल वाला जो हमारा 12 बजे का MCQ रहा है उन 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा, बहुत सारे स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन ऐसे हैं जो मोस्ट रिलेवेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं इसी न्यूज को डिटेल में। टेक्निकल टीम प्लीज स्क्रीन को जूम करिए।
19 time वर्ल्ड चैंपियन पंकज अडवाणी हैज वॉन दी सेकेंड लेग ऑफ एशियन स्नूकर टूर इन जिनान चाइना, ये अभी हमने पढ़ लिया। ही हैज बिकम दी फर्स्ट इंडियन टू विन एशियन स्नूकर टूर टाइटल। भाई समझ लीजिए, फर्स्ट इंडियन बने हैं। अब इससे ज्यादा मैं क्या मतलब बोलूं, अगर यहां फर्स्ट इंडियन लिख गया तो कितनी रिलेवेंट हो जाती ये वाली न्यूज। फर्स्ट इंडियन बने हैं इस टाइटल को जीतने वाले। ओके, अब आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। एससीयू का हेडक्वार्टर बताया रहा बीजिंग चाइना। ओके, बीजिंग चाइना एससीयू का हेडक्वार्टर रहा। अब जरा एआईआईबी का भी बता दीजिए, एआईआईबी का हेडक्वार्टर कहां पर है, क्योंकि एग्जाम में अभी रिसेंट में एआईआईबी का ही पूछा गया था। एआईआईबी का भी हेडक्वार्टर अभी एग्जाम में पूछा गया था। ओके, इसका भी हेडक्वार्टर की बात करें तो भाई बीजिंग चाइना है। तो सभी का सवाल का जो आंसर आ रहा है सर बीजिंग चाइना ही आंसर चल रहा है। ओके। सो गाइज यहां पर बात करें दोनों के ही हेडक्वार्टर आपके बीजिंग चाइना में है। अब चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये किस स्टेट से है, वो महाराष्ट्र, याद रखेगा महाराष्ट्र स्टेट से है भाई अपने पंकज अडवाणी। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड मोरक्को ऑन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपराधिक मामलों में आपसी कानूनी सहायता पर भारत और मोरक्को के बीच हुए समझौते को अपनी मंजूरी दे दी है। अब मैं यहां से दो बातें याद रखेगा, मैं हमेशा बोलता हूं कि जब कभी भी एग्रीमेंट होता है तो एग्रीमेंट या कोई एमओयू साइन होता है तो उसको याद करने का मैंने आपको एक तरीका बताया था, प्लस रूल कह दीजिए उसे, इज इक्वल टू रूल कह दीजिए, इंडिया प्लस कंट्री कौन सी है, मोरक्को, यहां पर मोरक्को है, यहां पर देख लीजिए। ओके, एंड जिस पर्पस के लिए एग्रीमेंट साइन हो, पर्पस क्या, इंडिया प्लस मोरक्को एंड पर्पस यहां पर है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स। अब यहां पर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस वर्ड हटा दीजिए, क्रिमिनल मैटर्स याद रखिए, इंडिया प्लस मोरक्को क्रिमिनल मैटर्स, बात खत्म, पूरा एमओयू मात्र दो या तीन शब्दों में खत्म हो गया। इंडिया प्लस मोरक्को इज इक्वल टू क्रिमिनल मैटर्स, इतना याद रखना है। मोरक्को की कैपिटल है रबत और करेंसी यहां पर दिरहम चलती है, अभी लोकेशन भी इसकी देख लेंगे मैप के थ्रू, पर सिंपल शब्दों में इंडिया प्लस मोरक्को इज इक्वल टू क्रिमिनल मैटर्स, समझ में आ रहा है, सिर्फ इतना ही करना है। इंडिया प्लस, बहुत लेट हो गए सर, और भाई मेरे मैं तो टाइम पर आया हूं यार, आज आप लेट हो गए। इंडिया प्लस मोरक्को की बात करते हैं यहां पर, और किस पर्पस के लिए एग्रीमेंट साइन हो तो वो है क्रिमिनल मैटर्स, और कुछ मत पड़ेगा। अब जैसे ही एग्जामिनर ने पूछा कि भारत ने किस देश के साथ क्रिमिनल मैटर्स के लिए एग्रीमेंट साइन किया, तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करेगा वो है मोरक्को। इंडिया प्लस मोरक्को इज इक्वल टू क्रिमिनल मैटर्स, और कुछ नहीं पढ़ना। अपार्ट फ्रॉम आते हैं स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं, जरा इसकी लोकेशन देखेंगे, टेक्निकल टीम प्लीज जरा स्क्रीन को जूम किया जाए। ये अपनी इंडिया की बात करेंगे, अपना प्यारा भारत है भाई, और इसी के रेस्पेक्ट में देखिए मोरक्को आपको दिख रहा है यहां पर, मोरक्को की कैपिटल रबत है, करेंसी दिरहम है। मेरा छोटा सा सवाल यहां पर यह है कि जितने भी देश सामने आपको दिख रहे हैं, कितने देशों की राजधानी और कह सकते हैं मुद्राएं आपको याद है, कैपिटल और करेंसी आपको याद है। ये छोटा सा टास्क है आपके लिए, या तो एक काम करिए वर्ल्ड मैप लगा लीजिए अपने रूम में, वहां पर देखते रहिए सुबह सुबह, या दो चार बार उठ जाइए और उस मैप को देखने के लिए, और देखिए रोज पांच छह मुझे पढ़नी ही है। आप मुझे बताइए इनमें से, एक काम करिएगा होमवर्क के लिए छोड़ दिया, इस मैप को रीड करिएगा, इस मैप में जितने भी देश आपको देख रहे हैं सभी की कैपिटल और करेंसी आज आपको रिवाइज करनी है, पढ़नी है, समझ रहे हो ना, इतना तो होमवर्क करिएगा। क्योंकि कल मैंने आपको कसम दी थी तो आपने सभी ने आंसर दिया मुझे कैबिनेट मिनिस्टर का, अब मैं फिर नहीं देना चाह रहा हूं यहां पर कसम की, फिर अरे सर आप तो यहां पर इमोशनल कर देते और आपकी कसम हम ना माने, ऐसा हो सकता है, तो भाई मैं फिर बोल रहा हूं कसम नहीं दे रहा हूं, लेकिन आप इसको पढ़िएगा और कैपिटल करेंसी प्लीज 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 जितनी याद है वो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द साइनिंग ऑफ एमओयू बिटवीन इंडिया एंड कोरिया फॉर स्ट्रेथनिंग कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ द टूरिज्म। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत और कोरिया के मध्य समझौता ज्ञापन पर अपने हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है। सर यहां पर कैसे पढ़े, वही तरीका अपना, इंडिया उठाइए प्लस साउथ कोरिया उठाइए और टूरिज्म, इतनी बातों को नहीं हमें पढ़ना, सिर्फ इतना पढ़ना है इंडिया प्लस साउथ कोरिया इज इक्वल टू टूरिज्म, बात खत्म यार, क्यों इतना डिटेल में पढ़े इसके लिए उसके लिए, सिर्फ काम की चीज ये है इंडिया प्लस साउथ कोरिया, एंड आंसर यहां पर बनेगा किस पर्पज के लिए है वो है टूरिज्म। आई होप सो यहां तक सारी बातें आपके क्लियर होंगी, समझ रहे ना एमओयू कैसे करना, कि सर एमओयू ऐसी चीज है जो याद नहीं होती, इसको मेंटेन करिएगा, इस प्लस रूल जो बनाया है ना इसको मेंटेन करिए, डेफिनेटली देख लीजिएगा यार, मेरे को जो लगता है मैं खुद पर भी अप्लाई करता हूं वहां पर बिल्कुल काम करता है। अब दूसरा सर, कभी कभी लोन एग्रीमेंट होता है, तो लोन एग्रीमेंट होता है तो याद रखिए इंडिया हुआ प्लस बैंक देखिए कौन सा है, आईएमएफ है, दूसरा फिर देखिए इज इक्वल टू में जाकर पर्पस क्या है, देन ब्रैकेट में अमाउंट लिख लीजिए, बात खत्म, पूरा लंबा चौड़ा चार चार लाइन का जो होती है न्यूज मात्र एक या दो पॉइंट में खत्म हो गई। इंडिया प्लस आईएमएफ इज इक्वल टू पर्पस क्या है, उसके बाद ब्रैकेट में लिख लीजिए अमाउंट क्या है, ज्यादा कोई कमेटी वमेटी है तो कमेटी का नाम लिख लीजिए, तो हमें चीजें याद रहेंगी। ये तरीका है सिर्फ करंट अफेयर पढ़ने का, डिटेल देखेंगे टेक्निकली में, अगेन जरा भाई जूम कर दीजिए, साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है, करेंसी वॉन है, और जो यहां पर आपको इमेज में दिख रहे हैं
ये मून जे इन है, ये प्रेसिडेंट है साउथ कोरिया के। इन बातों को भी याद रखिएगा, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, मून जे इन। साउथ कोरिया की कैपिटल रही सियोल और करेंसी यहां पर जो चलती है वो है वॉन। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द रीनेमिंग ऑफ द झारसुगड़ा एयरपोर्ट उड़ीसा एज द वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट झारसुगड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उड़ीसा के झारसुगड़ा हवाई अड्डे का नया नाम वीर सुरेंद्र भाई हवाई अड्डा झारसुगड़ा करने की अपनी स्वीकृति दे दी है। अब जरा समझने वाली बात है, यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, किस एयरपोर्ट का नाम वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट रखा जाएगा, ये एग्जाम का क्वेश्चन बनना है, किस स्टेडियम का नाम वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट रखा जाएगा, तो वो है झारसुगड़ा एयरपोर्ट। दूसरा सवाल, ये झारसुगड़ा एयरपोर्ट है कहां पर या वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट कहां पर है, तो वो याद रखना उड़ीसा में है। प्लीज गाइज, इसके अलावा और मत जाएगा, उड़ीसा रिलेटेड फैक्ट पढ़ लेंगे बट इसके अलावा बिल्कुल डिटेल में नहीं जाएंगे। काम की सिर्फ चीज इतनी है, झारसुगड़ा एयरपोर्ट की बात करें कहां पर, ये उड़ीसा में है, या वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट की बात करें ये कहां पर आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट और थोड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज रही है, और इस न्यूज को इंक्लूड कोई कह भी सकता है कि सर इसको इंक्लूड करने का पर्पस क्या है, तो मैंने इसलिए इसे इंक्लूड किया क्योंकि इंटरेस्टिंग न्यूज और डेफिनेटली एग्जाम का पार्ट बन भी सकती है। एट 96 एज इन्होंने 96 वर्ष की उम्र में 98% मार्क्स लाई हैं लिटरेसी एग्जाम में। और इंटरेस्टिंग है कि एक इनकी डेडिकेशन को देखते हुए, या जो केरला गवर्नमेंट का एक कहना है कि हमें 100% लिटरेसी अचीव करनी है। अभी हम बात करें तो भाई अपना जो स्टेट है केरला 100% लिटरेट स्टेट डिक्लेयर हो चुका है, बट वहां का क्राइटेरिया ये होता है कि लिटरेसी के लिए कि अगर 90% भी लिटरेसी अचीव हो गई है तो भाई आपको 100% डिक्लेयर कर दिया जाता है। बट केरला का कहना कि हमें तो भाई 100% ही अचीव करनी है, तो उसमें सभी लोगों को पढ़ाया जा रहा है। इसमें कह सकते हैं कि जो ये लेडियां, भी नाम भी मैं डिक्लेयर करूंगा इनका, इन्होंने 96 की एज में 98% मार्क्स अचीव किए हैं। तो कोई कहता नहीं कि सर हम सुबह नहीं उठ पाते हैं, अरे सर हम 4 घंटे से ज्यादा पढ़ नहीं पाते हैं, या डेडिकेशन हो, पैशनेट हो ना, और अपने गोल के लिए पागल हो। पागल मतलब बिल्कुल कि अगर रात में 2 बजे भी उठ जाओ ना तो हाँ पढ़ना है, रात के 4 बजे भी उठ जाओ तो पढ़ना है, इवन एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना है किसी भी पर्पज के लिए, किसी भी चीज के लिए। दोस्त ने कहा चल घूमने चल रहे, फिर भी नहीं भाई मैं पागल हूं, मुझे तो पढ़ना है, मेरा जो गोल है वही मेरा टारगेट है, उसी को मुझे अचीव करना है ना, तो वो पागलपन हो, वो पैशनेट कह सकते हैं, पैशनेट हो ना, तो भाई यहां से सीखा जा सकता है कितने लोग मतलब डेडिकेशन। देखिए 96 एज में भी अगर वो इतना बंदा कोई डेडिकेटेड है, तो यार हमको इन्हीं से कह सकते हैं इंस्पायर्ड होना चाहिए, मोटिवेट नहीं होना चाहिए, इंस्पायर्ड होना चाहिए कि हाँ भाई इनसे इंस्पिरेशन मिल रहा है, बिल्कुल सर हम भी कर सकते हैं। तो जब कभी भी लगे ना कि अरे सर मेरे से नहीं हो रहा है, या मैं मैथ्स कर रहा हूं बोर हो रहा हूं, रीजनिंग कर रहा हूं बोर हो रहा हूं, और जीए तो मैं पढ़ ही नहीं पाता, पढ़ता हूं भूल जाता हूं, मल्टीपल एफर्ट करो, और जब कभी भी दिक्कत हो ना आंख बंद करो, ऐसे लोगों का फेस देख लो, डेफिनेटली यार आगे खुद ब खुद बढ़ जाएंगे। चलिए समझते हैं और बातों को डिटेल में, क्या क्या है यहां पर काम की चीज, जरा टेक्निकल टीम। ओके, केरल राज्य साक्षरता मिशन अथॉरिटी द्वारा आयोजित अक्षर लक्षम साक्षरता परीक्षा में भाग लेने वाली सबसे वृद्ध छात्र 96 की उम्र में कात्यायनी, समझ नजर, इनका नाम है कार्यत्यायनी, भाई बहुत टिपिकल नेम है, कार्यत्यायनी अम्मा ने 100 में से 98 अंक प्राप्त किए, मतलब कह सकते हैं कि 98% इन्होंने मार्क्स अचीव किए। अब मेरे काम की चीज सिर्फ इनका नाम है कार्यत्यायनी अम्मा, इनका नाम है, इन्होंने भाई अचीव किया है। अब एग्जाम में आ सकता है, पूछे जा सकता है इनका नाम क्या, तो इनका नाम याद रखिए कि अम्मा, इन शॉर्ट याद रख लीजिए, कहां से हैं, ये केरल से हैं। ये अपने काम की चीज सबसे ज्यादा बनती है, आई होप सो क्लियर होगा। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, डील इंक्ड फॉर बायोफ्यूल रिसर्च के लिए यहां पर एक डील हुई है, गवर्नमेंट की ही एक डिपार्टमेंट है उसकी डीलिंग रही है। क्या है डीलिंग, क्या है एग्जैक्टली न्यूज, आते हैं डिटेल में, वन बाय वन देख लेते हैं। टेक्निकल टीम प्लीज जरा स्क्रीन को जूम किया जाए। Department of Biotechnology has signed 3-year 11 crore deal with the Energy and Research Institute to set up center to produce advanced biofuel and bio commodities. अब मेरे काम की चीज यहां से दो है, कितने साल के लिए एग्रीमेंट हुआ है, 3 साल के लिए, कितने अमाउंट का एग्रीमेंट हुआ है, यह है 11 करोड़ रुपए का। मेरी बात समझना, मैं हमेशा जब कभी भी किसी मैथ्स के सम को सॉल्व करता हूं या करता था, तो भाई मैं हमेशा देखता हूं उसमें से वो स्टार्टिंग पॉइंट कहां से है जिसे मैं उसे सॉल्व कर सकता हूं। जब कभी पजल को हम पकड़ते हैं, तो पजल को जब भी देखते हैं, तो उसमें से वो देखते हैं पॉइंट कि कहां से उसको उठाया जा सकता है। ऐसे ही जब कभी भी करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो पढ़ने से पहले दिमाग में यही सवाल आता है कि इससे सवाल कैसे बन सकता है। और जिस दिन आपको ये सीख गए ना, इससे सवाल कैसे बन सकता है, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी, ज्योग्राफी, भाई हर चीज आसान है, आपको हर चीजें आसान होने लगेंगी, और आपको ये पता चलेगा कि हम पढ़ रहे हैं और यहां से ये सवाल बन सकते हैं। समझना मेरी बात को, यहां से दो सवाल बनेंगे, कितने साल के लिए एग्रीमेंट हुआ है, 3 साल के लिए, कितने अमाउंट का रहा है, वो है 11 करोड़।
बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने उन्नत जैव ईंधन और जैव वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए एक केंद्र स्थापित करने के लिए एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ 3 वर्ष या यूं कहें 11 करोड़ रुपए के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो 2 बातें याद रखनी, 3 साल के लिए एग्रीमेंट रहा है, किसके साथ एग्रीमेंट हुआ है, द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ एग्रीमेंट हुआ है, कितने अमाउंट का एग्रीमेंट हुआ है, तो वो याद रखना है 11 करोड़ रुपए का। ये सर ये अम्मा बिंदास है, क्या बात है, मनप्रीत कौर जी कह रही है सर ये अम्मा बिंदास है। अबे सभी लोग बिंदास हो, आप लोग भी बिंदास हो, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना आप कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे अरे सर हमारा सिलेक्शन हो गया, तो मैं भी कहूंगा वाह भाई वाह, मनप्रीत कौर जी भी बिंदास है और यहां पर श्वेता कुमारी जी भी बिंदास, शिवम यादव भी है, अंकित श्रीवास्तव, खुशबा और भाई अरविंद कुमार, सभी लोग यहां पर बिंदास है। डोंट वरी, सभी का सिलेक्शन हुआ ना तो मैं कहूंगा आपके बिहाफ पर कि आप लोग बिंदास हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, यहां पर देखते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। This is 5th such dedicated center for biotechnology, bioenergy research. Bioenergy research के लिए बात करें तो 5वां सेंटर है। अब देखिए एक और सवाल बन गया, ये किस नंबर का सेंटर ओपन होने जा रहा है, तो वो याद रखना है 5th नंबर का सेंटर बनने जा रहा है। अदर की बात करें नई दिल्ली में है और गुवाहाटी में भी है, जयपुर में भी है, और ये जो अपनी नेशनल कैपिटल रीजन है NCR है, वहां पर जो ONGE है, मतलब कि ऑयल एंड नेचुरल गैस एनर्जी सेंटर है, वो NCR में भी है। तो मतलब 4 सेंटर की बात करें तो पहला एक देख लीजिए इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो नई दिल्ली में है, उसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी में, एंड ट्रेंसटेक ग्रीन पावर लिमिटेड की बात करें वहां जयपुर में है, एंड ऑयल एंड नेचुरल गैस एनर्जी सेंटर की बात करें वो आपके NCR रीजन में है, और 5th ये अपना खुलने जा रहा है। तो भाई मोस्ट रेलेवेंट है, एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 2 बातें यहां से, 3 साल और 11 करोड़ रुपए, और किस नंबर का ये बनने जा रहा है, ये 5th नंबर का बनने जा रहा है। अब देखते हैं आज के सेशन में न्यूज थोड़ी मैंने कम रखी है ड्यू टू माय भाई हेल्थ इश्यूज की वजह से, मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर पाया था, बट गाइज ये समझ लीजिए कि अभी जितनी भी न्यूज हमारी मिस हो रही है मैं कोशिश करूंगा कि जब दिवाली की छुट्टियां रहेंगी उस दौरान मैं आपके लिए एडिशनल तौर पर, या कह सकें कि एडवांस तौर पर सेशन को शूट करके जाऊं, और वो जो फिलर्स के तौर पर काम करें, भले अपनी न्यूज जो स्किप हो गई, चले हमारी अगर महीने में 30-40 न्यूज भी रही हैं या 20 न्यूज भी रही हैं, उनको भी मैं आपको न्यूज फॉर्म में प्रोवाइड कर दूं, वहां स्टैटिक ना हो पाए बट न्यूज तो आपको अवेलेबल हो जाए, जिससे कि आपके इस पूरे मंथ में जो नवंबर रहेगा उसमें 4 से 5 दिन जो ऑफ रहेगा उस दौरान कह सकते हैं कि एक भी दिन ऐसा ना लगे अरे नहीं यार सर तो आज आए नहीं, हमेशा मैं हर दिन आपके लिए अवेलेबल हूं, चाहे दिवाली हो चाहे धनतेरस हो, इवन कोई भी दिन हो, बट मैं ऐसा अभी प्लान कर रहा हूं, ऐसा ना कहना कि मैं कमिटमेंट कर रहा हूं, ऐसा मैं प्लान कर रहा हूं। जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, इसी से रिलेटेड सारे फैक्ट देख लेते हैं क्या क्या एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। श्रीनगर की बात करेंगे इट इज अ समर कैपिटल, जम्मू की बात करें इट इज अ विंटर कैपिटल, सत्यपाल मलिक की बात करते हैं ये गवर्नर है अभी रिसेंट में ही बने, इससे पहले बिहार के थे, बिहार के गवर्नर लालजी टंडन बन गए, याद रखना बिहार के गवर्नर का नाम लालजी टंडन है। जम्मू कश्मीर में NN बोहरा थे, इनका रिटायरमेंट हुआ तो इनकी जगह पर सत्यपाल मलिक को वहां भेज दिया गया। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं 22 डिस्ट्रिक्ट है, लार्जेस्ट सिटी श्रीनगर है, ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है, मोस्ट रिलेवेंट। लोकसभा सीटों की बात करें 6 है, राज्यसभा सीटों की बात करें 4 है, तो ये अपने एग्जाम के लिए मोस्ट रिलेवेंट रहा। 220604 इट मींस 22 डिस्ट्रिक्ट रहे, 6 लोकसभा सीट रही, 4 राज्यसभा यहां पर सीट है, तो DLR नंबर क्या रहा अपना 220604, 22 डिस्ट्रिक्ट, 6 लोकसभा सीट और 4 राज्यसभा सीट। हिमाचल प्रदेश और पंजाब के साथ बॉर्डर शेयर करता है, अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान और चाइना के साथ ही बॉर्डर शेयर करता है, यहां पर अफगानिस्तान भी लिख लीजिए। एंड जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट की बात करते हैं तो इसकी जो चीफ जस्टिस बनी है उनका नाम है फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस बनी है ये, इनका नाम गीता मित्तल, और ये मोस्ट रिलेवेंट है क्योंकि अभी न्यूली अपॉइंटेड हो तो एक नंबर में आ सकता है, पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूली अपॉइंटेड फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ द जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट, सो गाइस आंसर इज गीता मित्तल। अब चलिए बढ़ते हैं, एक बार देख लेते हैं इसी से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को, बाकी के क्या क्या हैं, जरा टेक्निकली अगेन भाई जूम कर दीजिए। दाचिंगम नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क, किस्तवार नेशनल पार्क एंड सलीम अली नेशनल पार्क, ये स्टार्टिंग के वर्ड उठा लीजिए, दाचिंगम, हेमिस, काजीनाग, किस्तवार एंड सलीम अली। सिर्फ हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जो ये पॉइंट्स है ना जितने मैं नेशनल पार्क बोलता हूं इनको सिर्फ एक लाइन में याद करने की कोशिश करिए, दाचिंगम, हेमिस, काजीनाग, किस्तवार एंड सलीम अली ऑल आर लोकेटेड जम्मू एंड कश्मीर, गुलमर्ग, हिरपुरा, जसरोता, हॉकेटसर एंड लचीपुरा, ये तो एक लाइन में रट गया है, बड़ा बढ़िया है ये, गुलमर्ग, हिरपुरा, जसरोता, हॉकेटसर, लचीपुरा सभी के सभी जम्मू कश्मीर में रहे। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक की बात करें एशिया में तो वुलर लेक है जो कि मोस्ट रिलेवेंट है, एग्जाम में बहुत बार इसका नाम पूछा जा चुका है, तो भाई याद रखिएगा वुलर लेक कहां पर लोकेटेड है, वुलर लेक आपकी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है।
बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसी के स्टैटिक तौर पर सवाल कौन से हैं। स्टैटिक की बात करें तो मैं हमेशा कहता हूं कि स्टैटिक पे कंटेंट फेंका नहीं जा सकता, वहां पर मेरे को 3 से 4 दिन हर एक सवाल को पढ़ाना पड़ता है ऑप्शन चेंज कर करके। तो यहां पर भी वर्ल्ड बैंक की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, फॉर्मेशन ईयर से रिलेटेड हो गया, डेट्स लास्ट मेंबर कंट्री से हो गया, टोटल मेंबर कंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। अब यहां पर सवाल है डायरेक्टर जनरल से रिलेटेड, हु इज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक कौन है, टेड्रोस एडनोम की बात करें या क्रिस्टियन लिगार्डे की बात करें, रॉबर्ट अजेवेडो, जिन लिक्विन या केवी कामत। अब सभी नाम ही इंपॉर्टेंट, जैसे कि टेड्रोस एडनोम की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ये चीफ है, क्रिस्टियन लिगार्डे की बात करें ये आईएमएफ की चीफ है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, एंड रॉबर्टो अजेवेडो की बात करें ये राइट आंसर बनता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के चीफ है। जिन लिक्विन की बात करें तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के ये प्रेसिडेंट है, ये चीफ है वहां के। एंड केवी कामत की बात करें जो कि इंडिया के हैं, एनडीबी, कल ही मैंने जो 12 बजे का सेशन रहा उसमें सभी के नाम इनके डिस्कस किए थे। एनडीबी की बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं, उसके चीफ है भाई केवी कामत। तो ये बात आपको याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड फैक्ट है, दोबारा से रिवाइज करेंगे, जरा भाई टेक्निकल टीम ज़ूम करिए। 1 जनवरी 1995 फॉर्मेशन ईयर है, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड, मोस्ट रिलेवेंट ये वाला पार्ट बनता है। मेंबर कंट्रीज की बात करें 164 कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड अफगानिस्तान बिकम द 164th मेंबर। देखिए मोस्ट रिलेवेंट क्या है, कौन सा देश 164वां सदस्य बना है, तो वो अफगानिस्तान है। किस वर्ष में बना है, तो वो याद रखना है 2016 में ये मेंबर बना है। डायरेक्टर जनरल की बात करें रॉबर्टो अजेवेडो है, और जिस कंट्री से, उस कंट्री का नाम ब्राजील है, ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया है, एंड करेंसी रियल है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, 1995 रहा फॉर्मेशन ईयर, जिनेवा स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर रहा, मेंबर कंट्रीज 164 रही हैं, जिसको जो कि अफगानिस्तान है 164वां सदस्य, और 2016 में बना था। डायरेक्टर जनरल की बात करें रॉबर्टो अजेवेडो है, और ये ब्राजील से है, ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया है, और करेंसी यहां पर रियल चलती है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, Which day is observed as the प्रवासी भारतीय दिवस, किस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। 4 जनवरी की बात करें तो वर्ल्ड ब्रेल डे, एंड अगर हम 9 जनवरी की बात करें, 10 जनवरी की बात करें, देखिए 12 जनवरी की बात करें या 15 जनवरी की, तो 15 जनवरी होता है आर्मी डे। अब बाकी की जरा एक बार ऑप्शन से देख लेते हैं कि आंसर तो बनता है ऑप्शन नंबर 2, 9 जनवरी को हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। वर्ल्ड हिंदी डे कौन से दिन बनता है, ये सारी बातें पे आते हैं, एक बार ऑप्शन से देखेंगे। वर्ल्ड ब्रेल डे है 4 जनवरी, एनआरआई डे या प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी एंड इंडियन आर्मी डे, ये दो वो हैं जो हमेशा आपको याद करते हुए चलना है। अक्सर यही वो जो सवाल जो एग्जाम का पार्ट बनते हैं, वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को आता है, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को आता है, इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को, एनआरआई डे कहें या प्रवासी भारतीय दिवस की बात करें 9 जनवरी को, एंड वर्ल्ड ब्रेल डे की बात करते हुए आपका 4 जनवरी को ऑब्जर्व होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में स्थित है। अमनगढ़ तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, अमनगढ़ आपका कहां पर है, उत्तर प्रदेश में, काली भाई अपना कर्नाटका में है, एंड सतकोशिया की बात करें अपना उड़ीसा में है, और छत्तीसगढ़ की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 जो अचान कमार है, इट इज लोकेटेड इन दी छत्तीसगढ़, अचान कमार टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन दी छत्तीसगढ़। बचता एक मेलघाट, तो मेलघाट याद रखिएगा, एम फॉर मेलघाट, एम फॉर महाराष्ट्र, के फॉर काली, के फॉर कर्नाटका, अमनगढ़ उत्तर प्रदेश, मेलघाट महाराष्ट्र, काली कर्नाटक, का अचन कमर छत्तीसगढ़, एंड सतकोशिया की बात करें ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। टेक्निकल टीम स्क्रीन ज़ूम कर दीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन उड़ीसा, निम्नलिखित में से कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी उड़ीसा राज्य में स्थित है। जरा देखते हैं कौन इस सवाल का जवाब देता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द उड़ीसा, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पौबीतोरा है, कोरेंगा है, पकुई है, पमेदा है, कोटागढ़ है, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो आपकी लोकेटेड है भाई अपनी उड़ीसा राज्य में। चलिए आंसर की बात यहां पर करेंगे, आंसर यहां पर ओके पमेदा यहां पर आंसर आ रहा है, राइट आंसर बनता है, बट कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे, इट इज लोकेटेड इन दी उड़ीसा, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए समझ लेते हैं एक बार बॉक्स मेथड से, देखिए मुझे तो सारी याद होती चल रही है, क्या आपको भी याद हो रही है। मेरा सिर्फ सवाल आपसे यह है कि अब ये तीसरा चौथा दिन है, मैं दोबारा इससे रिपीट कर रहा हूं, फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जरा समझ लीजिए, मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में लिखकर, यस सर हमें याद होते चल रहे हैं। पौबीतोरा, बूरा चपोरी, चक्रशिला, लावकोबा, एक लाइन में याद रखना है, पौबीतोरा, बूरा चपोरी, चक्रशिला, लावकोबा, ये असम राज्य में स्थित है। कौंदिया, कोरेंगा, कृष्णा, कोल्लेरू, नेलापट्टू, अक्सर ये भूल जाता हूं मैं भी कि कौंदिया, कोरेंगा, कृष्णा, कोल्लेरू, नेलापट्टू एंड कंबलकोंडा, ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य में है। काने, पखुई, मेहाओ, कमलंग, दिवंग, ये तो रट पड़ा है, काने, पखुई, मेहाओ, कमलंग, दिवंग अरुणाचल प्रदेश में। पमेदा, वरना बपारा, गौमर्दा छत्तीसगढ़ में। चंदाका, कोटागढ़, हदगढ़, देखिए एक लाइन में बहुत बढ़िया तरीके से लर्न हो जाएगा ये, चंदाका, कोटागढ़, हदगढ़, कालासूनी, करलापाट एंड ऊंचा कोटी, 4-5 बार पढ़ दीजिए, जितने नए स्टूडेंट है वो समझ रहे होंगे क्या सर क्या बात करो, ऐसे कैसे हम एक दिन में रजनीकांत बन जाएंगे। मेरे भाई मेरे दोस्त एक बात समझ लीजिए, अगर आपने ठान ली ना करना है तो करना हो जाएगा, मतलब
पूरे दिन में 4-5 बार पढ़ लीजिए, जब चलो आप वॉक कर रहे हैं, आप कहीं भी बैठे हुए हैं, बस रिवाइज करते रहिए, क्या काने पकुई मेहा कमलम देगा। अगर आपको ये एक लाइन में याद हो गया ना, तो बाद में तो ये याद कर ही लेंगे किस स्टेट में, ये तो बाद में याद ही कर लेंगे किस स्टेट में, बट ये रिवाइज तो होने चाहिए, याद तो होने चाहिए। काने पकुई मेहाओ कमलंग देवंग अरुणाचल प्रदेश पमेदा वरना बपारा गौमरदा छत्तीसगढ़ चंदाका कोटागढ़ हदगढ़ कालासुनी करलापाट ऊषाकोटी आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन मिजोरम, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम राज्य में स्थित है। नामेरी, नमदाफा, अंसी, देखिए अब अंसी आया ना तो तुरंत स्ट्राइक करता, अंसी, बंदीपुर, बनरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहुल, कहां पर है कर्नाटका में, मुरलैन या सिरोही। अब आंसर की बात करें, आंसर बनता ऑप्शन नंबर 4, अपना मुरलैन नेशनल पार्क की बात करेंगे, ये अपना मिजोरम राज्य में स्थित है। अब जरा समझना, असम में है अपने डिब्रू साइखोबा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ये तो याद हो गया सभी को, डिब्रू साइखोबा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, नमदाफा मॉलिंग भी याद है अरुणाचल प्रदेश में है, मुरलैन फोंगपुई मिजोरम में, दो याद रखने हैं, कैबुल लमजाव सिरोही मणिपुर में, तो तीनों ही स्टेट के, ये तो सिंपल है। अब कर्नाटका का याद रखना है, अंसी, बंदीपुर, बनरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। भाई सेशन पसंद आ रहा है और इंटरेस्टिंग लग रहा है और मजा आ रहा है और मतलब कि आप में इंप्रूवमेंट हो रही है, तो अपनी इंप्रूवमेंट के लिए एक बार जरा लाइक बटन पर प्रेस कर दीजिए और लिख के बता दीजिए यस सर हमें क्लियर हो रहा है, सेशन पसंद है, क्योंकि अराउंड यहां पर 4000 के आसपास बच्चा देख रहा है और लाइक मात्र अभी 800 ही हैं। यार ये तो बड़ी नाइंसाफी है भाई, लाइक तो कम से कम यार होने चाहिए, आप ही डिसाइड करिए कितने लाइक होने चाहिए। तो आज के सेशन पसंद आ रहा प्लीज लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द कैमरून, कैमरून की राजधानी क्या है, विक्टोरिया, योंडे, अंतानरीवो, लिलोंगवे या बाबाने। मैं एक चीज सोच रहा हूं, अगर आप इसी बात के लिए अग्री हैं कि आज की न्यूज के बेसिस पर जितने एमसीक्यू रहते हैं उनको मैं पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिया करूं और करंट अफेयर में डिस्कस ना करूं, क्योंकि उससे हम नेक्स्ट डे तो डिस्कस करते हैं, करंट अफेयर में डेली डिस्कस करते। तो गाइज मैं आप ही का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा हूं, अगर आप इसके लिए एग्री हैं तो मैं से यहां से कम कर सकूं, जिससे कि टाइम अपना बचेगा और हम बहुत सारी चीजें और एडिशनल तौर पर इसमें ऐड कर पाएंगे। मेरा पर्पस समझिएगा, जो सिंगल प्लेटफॉर्म बनाना है मेरे पास सिर्फ होते हैं अराउंड 50 मिनट, उसी 50-55 मिनट को मेरे को यूटिलाइज करना है। अब इसके लिए समझने वाली बात है कि जो एंड में एमसीक्यू में डिस्कस करता हूं, अगर उन्हें मैं हटा दूं जो आज के सेशन बेसिस पर होते हैं, क्योंकि उन्हें हम नेक्स्ट डे स्टार्टिंग में तो डिस्कस कर ही लेते हैं, अगर आप एग्री हैं तो प्लीज मुझे अपना सजेशन जरूर देकर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर मेजॉरिटी में यस बोलते तो मैं हटाऊंगा, अगर मेजॉरिटी में नो बोलते तो मैं रखूंगा, तो आप जैसा बोलेंगे वैसा ही चलेगा, क्योंकि आपका शो है ये। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या जानना चाहता हूं। अब समझना, यहां पर कैमरून की कैपिटल की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, योंडे इज द कैपिटल ऑफ द कैमरून। अपार्ट फ्रॉम क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देखेंगे सारे के सारे बॉक्स मेथड से। सेशल्स की कैपिटल है विक्टोरिया, करेंसी रूपी है। कैमरून की कैपिटल है योंडे, करेंसी इज फ्रैंक। मेडागास्कर की कैपिटल है अंतानरीवो एंड अरियारी। ये मत सोचिएगा कि वो क्वेश्चन नहीं प्रोवाइड करूंगा, सेम डे की पीडीएफ में तो आपको उन सवालों के जवाब मिलेंगे, सेम डे की पीडीएफ में तो वो क्वेश्चंस मिलेंगे, बट करंट अफेयर के सेशन में मैं नहीं डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि टाइम टेकिंग होता है और जब न्यूज पढ़ लिए तो आसान रहता है उसको सॉल्व करना, फालतू मुझे लगता है कि उसको अगर हटा भी दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट आप एग्री हैं तब बताइएगा। समझ लीजिए दोबारा से, सेशल्स की कैपिटल विक्टोरिया, करेंसी रूपी। कैमरून कैपिटल योंडे, करेंसी फ्रैंक। मेडागास्कर अंतानरीवो, करेंसी अरियारी। मलावी कैपिटल लिलोंगवे, करेंसी क्वाचा। एंड ई स्वातनी की बात करें, जिसका पहले नाम हुआ करता था स्वाजीलैंड, उसकी कैपिटल एग्जीक्यूटिव है बावाने। एंड लेजिस्लेटिव की बात करें लोवा है वो लोवाम्बा। एंड इसके यहां पर जो मुद्राएं चलती हैं दो, वो है एक लीलांगनी और यहां पर एक और मुद्रा चलती है उसका नाम है रैंड। आई होप सो क्लियर होगा सभी के, सेशन पसंद आ रहा है प्लीज एक बार लाइक बटन पर प्रेस कर दी यस सर क्लियर हो रहा है। आज के जो आपको एमसीक्यू है इन न्यूज के बेसिस पर, वो सभी आपको मिलेंगे पीडीएफ में, समझना परेशान मत होइएगा, एमसीक्यू मिलेंगे आपको पीडीएफ में। पीडीएफ आपकी 10 बजे तक यहां पर लग जाएगी कमेंट बॉक्स में जाएंगे वहां पर, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे पीडीएफ की लिंक अवेलेबल हो जाती है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दो फॉर्मेट रहते हैं, जिस फॉर्मेट में मैं पढ़ाता हूं वो भी अवेलेबल रहता है, अपार्ट फ्रॉम 3 या 4 पेज में इसको कंपाइल करके बना दिया जाता है, जिससे कि आपको प्रिंट निकालने में दिक्कत ना हो, वो उस वाले फॉर्मेट से भी आप पढ़ सकते हैं। बट मैंने जो सवाल पूछा है मैं उसके आंसर का वेट करूंगा। सो गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।